आज हमारा टॉपिक जो है गुड मॉर्निंग, ये आज का हमारा टॉपिक है एंटोनिम। तो एंटोनिम क्या होते हैं मैं सीधे टाइम वेस्ट किए बिना बता देता हूँ, क्योंकि जितनी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है उतना फिर मुश्किल हो जाता है उसे अपलोड करने में और उसकी प्रिंट को फिर कम करना पड़ता है। अच्छा, हम शुरू करते हैं। एंटोनिम इज़ अ वर्ड विच हैज़ अपोजिट मीनिंग ऑफ अनदर वर्ड। अपोजिट मीनिंग होता है किसी भी अदर वर्ड का, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। जैसे हम उसको अपोजिट भी बोल सकते हैं, हम किसी वर्ड को अगर लेंगे तो उसका अपोजिट मीनिंग जिस जो हो वही हो गया क्या एंटोनिम। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे ले लूँ, जैसा गुड, ठीक, ये हो गया गुड, मूड हो गया अच्छा। इसका अपोजिट अगर आपको कहेंगे, अपोजिट या एंटोनिम इसका कहेंगे, तो आप लिखोगे इसका गुड का बैड, ठीक है। ऐसे ही डे, डे का क्या लिखोगे आप, नाइट। तो आप इसको अपोजिट भी कह सकते हो या इसका एंटोनियम ये हो गया, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ही हैं, जैसे एक और एग्जांपल मैं दूं, कोल्ड, हॉट, ठीक है, ठंडा, गर्म। और भी आपको भी बहुत सारी चीज़ें याद होगी, या इसका मैं और दे दूं, लाइट, हल्का, इसका क्या आएगा, भारी, हैवी, ठीक है। तो ये तो चलो एंटोनियम थे, अब मैं सिनोनिम्स ले लेता हूँ। अब जैसे सिनोनिम है, इसका अगर हम लिखेंगे, सिनोनिम का क्या लिखेंगे, सिनोनिम, इज अ वर्ड विच हैज द सेम मीनिंग एज दैट ऑफ द वर्ड, ठीक है। अब जैसे आपने पहले देखा एंटोनिम, इसका क्या होता है, अपोजिट, मतलब कोई भी वर्ड अगर लेंगे उसका अपोजिट में क्या आएगा, जैसे जैसे डे नाइट, ऐसे ही कोल्ड हॉट, हैवी लाइट, ठीक है, गुड बैड। तो अब जो सिनोनिम होते हैं ये क्या होते हैं, ये मतलब वर्ड सेम होगा, जैसे लाइट होगा या कोई इसी का दूसरा वर्ड बनता है। मतलब जैसे मैं आपको कहूँ एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैं लूँगा ब्रेव, ब्रेव क्या होता है, बहादुर, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ब्रेव, बहादुर, बहादुर का क्या, डेयरिंग भी हो गया वही, ठीक है, ये इसी की सेम मीनिंग्स है। तो ये इसका क्या है, सिनोनिम, ठीक है, सेम मीनिंग। अब जैसे मैं लूँगा एग्जाम्पल्स इसकी, मैं लूँगा जैसे गुड, ऊपर का ही जो मैंने ऊपर लिया था एक वर्ड, इसी मैं चुनूँगा गुड। गुड का हम फाइन भी लिख सकते हैं, एक्सीलेंट भी लिख सकते हैं, ये क्या मैं बता रहा हूँ, सिनोनिम्स है इसके, ठीक है। एंटोनिम्स तो बता दिए मैंने, अब सिनोनिम्स, एक ही वर्ड के कितने सारे मीनिंग हम लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं सिनोनिम्स। हॉट, जैसे ऊपर का ही एक हॉट मैं ले लेता हूँ, हॉट को मैं और चुनता हूँ, हॉट को मैं बर्निंग भी कह सकता हूँ, फिर बोल सकता हूँ बॉइलिंग भी बोल सकता हूँ, ठीक है, ये सारे इसके मीनिंग्स हैं। या कोल्ड ले लो, कोल्ड भी मैंने यहाँ चुना था इसलिए मैंने कोल्ड लिया, कोल्ड का हो गया चिली, फ्रीजिंग, फ्रोस्टी, ठीक है। तो ये सारे क्या थे, सिनोनिम्स, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि एंटोनिम्स क्या हो गया। अब लास्ट में बोलूँ मैं, ये हो गया अपोजिट, किसी भी वर्ड का अपोजिट वर्ड, ठीक है, जैसे गुड बैड, डे नाइट, कोल्ड हॉट, ये सब चीज़ें। सिनोनिम्स हो गए एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स, विच हैव सेम मीनिंग, मतलब एक ही वर्ड का और भी कुछ वर्ड जिसकी मीनिंग जो हो, मीनिंग्स उनकी सेम हो, ठीक है। जैसे हॉट, हॉट हो गया बर्निंग भी, जलना, फिर बॉलिंग, ये भी, ठीक है, गुड, फाइन, एक्सीलेंट, ग्रेट, ये सारी एक ही मीनिंग, कोल्ड, चिली, फ्रीजिंग, फ्रोस्टी, ठीक है। तो आ गई होगी आपको ये समझ। तो कल मैं कोई और टॉपिक चुनूँगा, ग्रामर से रिलेटेड या कुछ और देखेंगे कल, तब तक के लिए थैंक यू।